हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार साथियों को और हमारे मीडिया कर्मियों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है, 30 मई को ही हम हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाते हैं, इसके लिए हमारा जो है 1826 में उदंत मार्तंड पत्रिका पत्र जो था, हिंदी का पहला पत्र था। 1826 में लगभग जब अंग्रेज़ों का एक प्रकार से पूरा साम्राज्य स्थापित था, उस समय अंग्रेजी में, फारसी में, उर्दू में, बांग्ला में बहुत सारे अखबार निकलते थे, लेकिन हिंदी का कोई अखबार नहीं निकलता था। उन दिनों पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, उन्होंने कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू किया और अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रख दिया। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो आज हम मना रहे हैं, उसकी आधारशिला रखने वाले श्री शुक्ल जी ने जो एक अपना अध्याय शुरू किया था, जिसने कि एक बड़े वट वृक्ष के रूप में अपना रूप धारण किया, आज हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्र, हिंदी समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो या अन्य जो हिंदी न्यूज़ समाचारों के माध्यम हैं, उसके लिए वो न्यू मील का पत्थर साबित हुआ है। इसलिए जो है सबसे सभी बंधुओं को इस बात को समझना चाहिए कि संघर्ष के किस दौर से निकलकर हिंदी पत्रकारिता की स्थापना हुई और उस पर काम हुआ, और पत्रकारिता के सही मायनों को स्थापित करते हुए पंडित शुक्ल ने अपनी पत्रकारिता के मापदंड को आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान भी दिया। लॉकडाउन का लगभग चौथा फेज समाप्त होने की ओर अग्रसर है और सरकार ने काफ़ी सारी छूट भी दी हुई है। अब हम सबको, चूँकि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ भी रहा है, इसलिए अब लंबे समय तक एक लॉकडाउन को स्थिति नहीं है कि देश अवेयर कर पाएगा, इसलिए हमको अब खुद भी अवेयर होना है, खुद हमको जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, वो बनानी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का, साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको खुद जागरूक हों, हम खुद जागरूक हों, दूसरों को जागरूक करें, अपने से जुड़े समाज को जागरूक करें, ताकि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए हम अंतिम दौर की लड़ाई एक जंग के रूप में जीत लें।